अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। तो ये मैं केक बना रही थी, ये मैंने बनाया था जन्नत की बर्थडे पे लास्ट मंथ, और वीडियो शूट कर ली थी लेकिन नहीं ली मैंने, इसकी पूरी एडिटिंग नहीं की थी। तो यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं, 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, कोको पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लिया है। अब यहाँ पर मैं मैदा है और कोको पाउडर है और चीनी नमक जो है इन सबको जो है ना यहाँ पे छान रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने 4 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने ना बीट कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। और इसी में जो है मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी मैंने उसमें नहीं डाली थी, उस वाले बैटर को खाली मैंने छान के अलहदा से रख लिया था और इसमें मैंने चीनी डाल के अच्छी तरह से उसको मेल्ट किया था ताकि चीनी के ज़र्रे ना रहें। मैंने चूँकि वो आप चाहें तो पाउडर ले सकते हैं लेकिन मैंने पाउडर नहीं लिया था, साबुत चीनी ली थी। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिए यहाँ पे 1/4 कप और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना फ्लफ़ी हो गया ये और झाग अच्छे से बन गई है। अब मैं जो छाना हुआ बैटर है उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी। और इसको आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो यूज़ करना है स्पून को, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बढ़े। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होगी। अगर आप चाहें तो, अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी जो है 1 से 2 चम्मच वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैटर जो है वो तैयार कर लिया था और ये मैंने सांचे में जो है वो लगा दिया था पेपर। ये जन्नत ने भी कैमरा पकड़ा था जनाब, वो शूट कर रही थी और देखिए उसका हाथ आ गया आ रहा है महाराज। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है बैटर को तो सांचे में डालूंगी और सांचे में डालने के बाद जो है मैं इसको बेक करने के लिए रख लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं पतीले में बना रही हूँ तो इसको मैंने पतीले को जो है वो अच्छी तरह से हीट होने के लिए रख दी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और ये मिक्सचर जो है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करी जा रही ताकि कोई भी और किसी भी किस्म का कोई लम्प्स जो है ना वो इसमें ना हो। तो जनाब यहाँ पर जो है ये रेडी हो गया बैटर और इसको मैं सारे को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि बाउल के जो साइडों पे भी लगा हुआ है ना वो मिक्स हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो एक केक बन रहा हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि केक खुद घर में बना लूँ, और क्योंकि बाज़ार से लाते हैं वो पड़ा रहता है, नहीं खाते, ज़ाया हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घर में बना देती हूँ ताकि ये खाया जाए। और ये आप खाली क्रीम के बगैर भी खा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो जनाब यहाँ मैंने सारा बैटर जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से ऑयल लगा दी। बीच में पेपर जो है वो मैंने लगा दिया था और साथ में ऑयल लगा दिए। तो ये मेरा बैटर रेडी हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मैंने ज़मीन पे ठक ठक कर दिया ताकि इसके अंदर से बबल्स जो है वो बाहर आ जाए। पतीले को मैंने प्री हीट किया हुआ था और मैंने इसमें रख दिया है। और ये थोड़ा सा मेरा जो है ना एक साइड पे सरक गया था कि सांचा, तो वहाँ से साइड से थोड़ा सा नीचे बैठ गया। अब ये तकरीबन 45 मिनट बेक किया मैंने और 45 मिनट बेक करने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया और इसके ऊपर मैंने शीरा लगा दी। दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पर बीट कर रही हूँ व्हिप क्रीम, और इसको मैंने बीट करने के बाद जो है केक के अंदर वाली साइड पर लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स जो है ना वो भी बच्चों की शदीद ख्वाहिश पे मैंने ऐड किए थे, और पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है लेकिन ना हमारी फैमिली में किसी को पसंद है, सिर्फ बच्चों को जो है ना वो पसंद है। और ये चॉकलेट केक हो और स्प्रिंकल हो, ये सब कुछ बच्चे बहुत जो है ना शौक से पसंद करते हैं। आपको पता है बच्चे चॉकलेट जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने मल्टी और चॉकलेट दोनों वाली जो है स्प्रिंकल्स इसमें ऐड कर दिए। आपको डिपेंड करता है, आप अगर डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना आप फ्रूट्स के चंक्स डाल सकते हैं टिन फ्रूट्स के। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसका दूसरा जो है स्पंज वो रख दिया था। रखने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप वो लगा सकते हैं क्रीम। वो एक साइड से जो है आपको बैठा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा एक साइड से थोड़ा सा मतलब नीचे की सांचा टेढ़ा होने की वजह से एक साइड पे हो गया था। तो आप प्रॉपर ये देख लीजिएगा कि आप प्रॉपर रखें तो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लें कि एक साइड से ढलके ना। तो ये क्रीम जो है मैं इसके ऊपर व्हिप जो है वो डाल रही हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्रीम लवर नहीं हूँ और ना मुझे पसंद है, तो मैंने इसके ऊपर हल्की हल्की से लगा दी क्योंकि बच्चे भी इतना शौक से मतलब खा लेते हैं, उनको वैसे चाटने की बड़ी होती है। आपको पता है बच्चे जो है ना वो जब तक क्रीम ना चाटें इनको मज़ा नहीं आता। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर क्रीम जो है ना वो अच्छी तरह से लगा दी है
और बहुत ज़्यादा प्रॉपर ना करें बच्चों के लिए, आप यानी कि थोड़ा बहुत आप घर के लिए अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह करके बना सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा क्रीमी और केकी हो कि ये मतलब दिल भी ना मचले और खाया भी जाए। तो जो घर में बनाया हुआ ना, पर्सनली मैं कहती हूँ कि वो खाया जाता है बनिस्बतन बाज़ार के। तो जनाब ये मैंने ऊपर क्रीम को सेट कर दिया है और ऊपर बच्चों की फरमाइश भी है, यू नो स्प्रिंकल्स डाल दी। ये जनत की बर्थडे वाले दिन मैंने बनाया था, तो ये तब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी लास्ट मंथ, तो ये अब जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। तो दोनों की हम लोगों ने इकट्ठी की थी, एक लास्ट मंथ थी एक इस मंथ थी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।